एच टीवी की ओर से दिवाली एवं धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। दिवाली एवं धनतेरस के शुभ अवसर पर विज्ञापन के लिए संपर्क करें। नमस्कार, मैं बस सोनी, एच टीवी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मध्य प्रदेश शासन की ओर से अभी तक नियमितीकरण न होने को लेकर नाराज रोजगार सहायक गए कलम बंद हड़ताल पर। मध्य प्रदेश के 23,000 ग्राम रोजगार सहायक नियमितीकरण न होने के कारण 16 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक कलम बंद हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं बेगमगंज जनपद पंचायत कार्यालय में जनपद सीईओ शैलेश पांडे को ज्ञापन दिया। रोजगार सहायक यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष सुल्तान सिंह लोधी ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन ने 15 अक्टूबर तक नियमित करने का कहा था, पर शासन सत्ता में आते 10 महीने बीत चुके हैं और वचन पत्र के अनुसार 3 महीने के भीतर नियमितीकरण का कहा था, पर अभी तक नियमित नहीं किया गया। इस कारण मध्य प्रदेश ग्राम रोजगार सहायक संगठन के आह्वान पर हम सभी को हड़ताल पर आना पड़ा और यह हड़ताल 23 अक्टूबर तक रहेगी और यदि नियमितीकरण नहीं होता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज ये हड़ताल किस कारण से की गई रोजगार सहायकों द्वारा? ये ग्राम रोजगार सहायकों की कुछ मांग थी जिसको लेकर के इन लोगों ने आज आवेदन दिया है और ये हमें इनके माध्यम से आज प्राप्त हुआ है। तो जो भी है ऊपर लेवल पर वरिष्ठ अधिकारियों को शिक्षा दी जाएगी उनका जो भी चिट्ठी है। किस कारण से हड़ताल की गई? 20 सितंबर को हमारी प्रदेश स्तरीय बैठक हुई थी जिसमें सरकार को सरकार के सामने हम लोगों ने नियमितकरण के लिए अपना प्रस्ताव रखा था, जिसमें सरकार ने बोला था कि 15 अक्टूबर तक हम आपकी मांगों को पूरा कर देंगे, लेकिन 15 अक्टूबर को हमारी मांगें पूरी नहीं हुई। इसी 16 अक्टूबर से प्रदेश के आह्वान पर हमने अपनी 16 से 23 तक हमने अपनी हड़ताल को रखा है। अगर इतने के बीच में नहीं होता तो क्या करेंगे? इसके नहीं हुआ तो प्रदेश स्तर के आह्वान पर हम आगे अपना हड़ताल बढ़ाएंगे और हो सकता है अनशन या उग्र आंदोलन के लिए भी हम लोग तैयार हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें।